Good morning everyone, I am Anirudh Kumar Maurya. Welcome to our YouTube channel. जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा वो कौन सा 6 क्वेश्चन नंबर. लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, जहाँ पे क्या है क्यू क्या ना होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए. वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स. नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और जो नंबर्स होंगे वो क्या होने चाहिए, टर्मिनेटिंग होने चाहिए. एंड रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंसेस कैन यू गेस एंड व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू क्या नंबर्स होंगे उनको सेटिस्फाई कराएंगे. तो यहाँ पे हम चीज़ें को चेक करेंगे. सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लिया सपोज दैट 2/5, क्या ले लेंगे 2/5. अब इसको हम डिवाइड कराते हैं, जब इसको हम डिवाइड कराएंगे 5 से किसको 2 को, तो 5 से 2 को डिवाइड कराएंगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, क्या करेंगे जीरो लिखेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे. और यहाँ पे क्या करेंगे हम जीरो बढ़ाएंगे. अब ये कितना हो जाएगा 5 4 20, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये क्या आ गया हमारा 0.4. और दूसरा नंबर ले लेते हैं सपोर्ट दैट हमने ले लिया 3/2, ये एक हो गया 3/2. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम 2 से इसको डिवाइड कराते हैं, 2 को 3 से डिवाइड कराते हैं. तो चेक करेंगे यहाँ पे क्या किया, जीरो लगाया, पॉइंट बढ़ाया, यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, अब कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, कर सकते हैं इसको 2 बन जा 2, कितना बचेगा 1. अब यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 2 5 10, ये भी कम्प्लीटली क्या हो गया, डिवाइड हो गया. तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है 1.5. और एक नंबर और ले लेते हैं, सपोज डेट लेते हैं हम 4/5, ठीक कितना ले लिया 4/5. इसको भी चेक करते हैं, तो इसको भी हम 5 से करते हैं, 5 से 4 नहीं जाएगा, क्या करेंगे हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा जीरो, फिर 5 8 40, तो ये भी क्या हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 0.8, ठीक है. तो ये सब नंबर्स हमारे कैसे आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, यानी कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है. अदरवाइज तो यहाँ पे हम जो सेटिस्फेक्शन की बात करें, जो क्यू होगा, क्यू क्या होगा हमारा, सेटिस्फाइड कराएगा किस पे, डिनोमिनेटर 5 एंड 2, जो क्यू सेटिस्फाइड कराएगा, तो क्यू इज सेटिस्फाइड द फैक्टर 2 एंड 5, 2 एंड 5 जो Q होगा वो सेटिस्फाई कराएगा, ठीक 2 एंड 5, 2 एंड 5 से कराएंगे तो जितनी भी नंबर्स मिलेंगे वो सब क्या होंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स मिलेंगे, ठीक है. और सपोज दैट हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे यदि हम कोई अदर नंबर लेते हैं, इसको रेज करते हैं, यहाँ पे हम यदि कोई अदर नंबर लेते हैं, जैसे 5 या 2 ले रखा है, इसकी जगह पे हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 3, तो जैसे 7/3 आ गया. अब यदि हम 3 लेते हैं तो देखते हैं कि ये डिवाइड करा करके कि इसमें हमको क्या मिलेगा, ये टर्मिनेटिंग होगा नहीं होगा, तो क्या करते हैं 3 से 7 को डिवाइड कराते हैं, तो 3 2 6, कितना बचा 1, यहाँ पे पॉइंट लगाया और कितना हो जाएगा 0, तो 3 3 9, कितना बचेगा 1, फिर 1 आ गया, यानी ये 3 3 3 क्या होता जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा. तो इसको इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2.3 bar. और जब ये बार आ गया तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगी, रिपीट होती चली जाएगी, 3 बार आता चला जाएगा. तो ये क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक, इसीलिए हम ये नंबर नहीं ले सकते, यानी जिस डिनोमिनेटर में आएगा वो 5 और 2 ही आएगा, इसके अलावा और हम कोई नंबर नहीं ले सकते हैं, ठीक है. तो इसके अलावा हम कोई नंबर नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए क्या सेटिस्फाई कराएगा, क्यू इज द मस्ट, या क्यू मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर 2 एंड 5, ठीक ओके. ये क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ पे 2 और 5 ही डिनोमिनेटर में लेंगे, वही क्या होंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेगा, इसके अलावा और कोई नहीं, इनमें ही क्या होगा,
कॉमन जो हमारा जो फैक्टर्स होगा वो वन होगा, इसके अलावा और कोई सेवेंथ भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेवेंथ है वो क्या है, तो राइट द थ्री नंबर्स वो डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी वो टर्मिनेटिंग भी ना हो ऐसी नंबर्स बताना है, और नॉन रिकरिंग मतलब वो नंबर बार बार रिपीट भी ना हो रही हो, तो ऐसे तीन नंबर्स बताने हैं। तो पहला नंबर सॉल्यूशन में हम ले लेते हैं कौन कौन सी होंगी, तो सॉल्यूशन में हो जाएगी पाई की वैल्यू, किसकी पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, 3.14159 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से नंबर्स पाई की वैल्यू आती चली जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अंडर रूट, अंडर रूट टू इसकी क्या होती है 1.414 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से भी आएंगी। अंडर रूट थ्री की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1.732 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये नंबर्स हमने क्या लिख दिया, राइट द थ्री नंबर्स में हु डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो टर्मिनेटिंग हो यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो, और ना ही वो क्या हो रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग मतलब क्या हो वो बार बार नंबर रिपीट ना हो रही हो, तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं कि जो बार बार रिपीट हो रही हो और ना ही कम्प्लीटली क्या है डिवाइड है। तो जो पाई की वैल्यू होगी वो हो जाएगी अंडर रूट टू, अंडर रूट टू की वैल्यू। अब अच्छा अंडर रूट टू निकालते कैसे हैं, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। अंडर रूट टू कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं अंडर रूट टू, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे, जैसे टू है, ये क्या किया हमने बोलो, टू का देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया हमने वन वन, ठीक, और कितना हो जाएगा वन, अब यहाँ पे भी वन लिखेंगे, वन टू से वन जाएगा तो कितना बचेगा वन बचेगा, इधर हो जाएगा टू, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे दो जीरो बढ़ाएंगे, अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको वन वन टू कर लिया, अब देखेंगे कितना टाइम जाएगा, फोर टाइम्स फाइव टाइम्स कितने टाइम जाएगा, तो ये जाएगा हमारा फोर टाइम्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फोर लिखेंगे, यहाँ पे भी फोर लिखेंगे, यहाँ पे भी फोर लिखेंगे, और 24 की मल्टीप्लाई फोर से करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 4 16 और 4 2 8 19, तो कितना हो गया 96, ठीक है। अब 96 हो गया तो कितना बचेगा फोर बचेगा, ठीक, पॉइंट लगा ही है यहाँ पे, दो जीरो और बढ़ा सकते हैं, इसको क्या हो जाएगा 8 और इधर ये 20, आप इधर देखिए कितना टाइम जाएगा, अब 400 हो गया, अब 400 हो गए होने के बाद में इसको हम फिर से चेक करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा वन टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा वन वन, ठीक, वन टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 281, ठीक। तो वन से नाइन, टेन से नाइन जाएगा कितना बचेगा, सॉरी हाँ टेन से वन जाएगा नाइन बचेगा, इधर बचा नाइन, नाइन से एट जाएगा वन बचेगा, इधर बचा हमारे पास थ्री, थ्री से टू जाएगा वन, ठीक। इसी तरीके से आगे निकलते चले जाएंगे, 1.41 आया, इसके बाद के आगे के नंबर इसी तरीके से निकलता चला जाएगा। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से अंडर रूट टू की वैल्यू निकाली जाती है, इसी तरीके से अंडर रूट थ्री की वैल्यू भी निकाली जाती है। तो ये तीन वैल्यू तो हो गई, एक वैल्यू और आपको बता देते हैं, जैसे सपोज करते हैं, मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास जो तीसरी वैल्यू होगी या चौथी वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो पॉइंट क्या होगी, 0.10 फिर 120 फिर 130, ठीक, इसके बाद क्या आएगा 140 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये भी नंबर हो गया, और एक बता देते हैं एग्जांपल में, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.40 फिर क्या हो जाएगा 420, ठीक, फिर क्या होगा 430 फिर क्या होगा 440, ठीक, डॉट 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 करके बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें भी देखिए कोई भी ऐसे नंबर कोई हो रही रिपीट हो रही है, नहीं रिपीट हो रही, ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके तीन एग्जाम्पल्स पूछे गए थे, हमने आपको चार बता दिए, आप और भी आपने निकाल सकते हो बता सकते हैं, ठीक है। तो 2, 3 एंड 4 यहाँ पर हम 5, ठीक, 5 एग्जाम्पल्स बता दिए, इस तरीके से और भी आप अपने निकाल सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।